आप देख रहे हैं दैनिक सेठ समाचार, मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज हम जिला राजौरी के गांव लूरकोट में खड़े हैं। लूरकोट में बीती रात जंगली जानवर ने तकरीबन यहां 8 से 10 भेड़ बकरियां जो है वो मार दी हैं और तकरीबन 15 जो भेड़ बकरियां वो जख्मी हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनका बच पाना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी भी खड़े, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। जी आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं लूरकोट का रहने वाला हूँ। शफी साहब, रात को क्या हादसा हुआ जिस तरह ये भेड़ बकरियां हैं यहाँ? पूरा आपको बताऊंगा कि हम बकरवाल तबके से ताल्लुक रखते हैं। हमारी भेड़े हैं तकरीबन 100 से ऊपर, 7-8 दिन में ये खत्म हो चुकी है, किसी जंगली जानवर ने खा लिया। आते हैं यहाँ अफसर, सब आए, पुलिस वाले आए, डॉक्टर आए, सब उन्होंने मौका किया, देखा, फोटो भी खींचे, मगर हमारे साथ बहुत जुल्म हो चुका है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दरखास्त करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मगर मैं बात करना जानता हूँ। मेरी अपील है डीसी साहब से, गवर्नर साहब से, और हमारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से भी मेरी अपील है कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, आज तक हमें नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। आज तक नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। इनका साफ साफ कहना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बकरवाल तबके से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन हमारी जो बकरवाल तबके के आज तक 100 भेड़ बकरे जो है कोई जंगली जानवर खा चुका है। यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी आए, यहाँ पर बर्ड लाइफ की टीम आई, यहाँ पर पुलिस की टीम आई, यहाँ पर एनिमल की टीम आई, लेकिन आज तक इन्हें कुछ मिला नहीं है, क्योंकि ये जो बकरवाल तबका है इसका इन्हीं भेड़ बकरियों से गुजारा होता है और इनके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे ये अपना गुजारा कर सकें। जिस शख्स की रात को ये भेड़ बकरियां मरी हैं, उनके 8 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं उनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, किस तरह ये बेचारे इन अपनी भेड़ बकरियों, मरी हुई भेड़ बकरियों को देख रहे हैं। जिस इंसान के 8 बच्चे हों, 20-25 भेड़े हों, वो भी कोई जंगली जानवर मार जाए तो उसकी हालत आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। ये उनका बाड़ा था, जिस बाड़े में रात को कोई जंगली जानवर आता है तो ये उनकी भेड़ बकरियां मार देता है। आज से चंद रोज पहले धर्मा पंचायत में भी इसी तरह तकरीबन 25 से 30 बकरियां जो है वो मार दी गई, और इस सराउंडिंग एरिया में 2 दिन पहले जो है 20 से 25 बकरियां मार दी चुकी हैं। जी सर, आप बताएं इनका अब गुजारा कैसे होगा? इनका कोई गुजारा नहीं, अब ये भीख मांगने के लायक पे नहीं रहे, अब ना मजदूरी करने के लायक रहे, छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चा क्या मजदूरी कर सकते? मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, मैं अपील करता हूँ डीसी साहब से, मैं अपील करता हूँ वजीर आजम से, कुछ मदद करेगी। इनने कहा जब से बीजेपी आई हमने खुशियां मनाई, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है इन लोगों के लिए सहारा बन के आए थे, इन लोगों की बात सुनते थे, लेकिन आज पिछले चंद दिनों से जो इनके साथ यहाँ वारदात हो रही है जिला राजौरी के अंदर, कोई जंगली जानवर आता है जागते रहे, 2 बजे के बाद कोई ऐसा जानवर आया जिसने ये देखे भेड़ बकरियों के पेट फाड़ दिए। मैं ये दृश्य नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इनकी दृश्य भेड़ बकरियों की हालत इस किस्म की है कि कोई भी आदमी ने देख नहीं पाएगा। मेरे साथ कुछ और लोग खड़े हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हफीज। अब्दुल हफीज जी, जिस तरह से इन्होंने भी कहा है कि इनके 7 बच्चे थे, 20 से 25 भेड़ बकरियां थी, उन्हीं भेड़ बकरियों का गुजारा उनके ऊन उतार के, उनके बाल जब उनका बच्चे होते थे भेड़ बकरियों के, उनके बड़ा करके बेच के इनका घर चलाते थे, लेकिन आज तो सब खत्म हो गया। खत्म हो गया सर, इन्हीं पे हमारा गुजारा था, सब कुछ था, मुलाजम नहीं है, कुछ नहीं है, तो साल भर इनके लिए बस यही मेहनत मजदूर कर रहे हैं, इन्हीं को बेचने खाना यही कुछ है, तो आज देखो सब खत्म हो चुकी है, अब क्या बने? सब खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जो भेड़ बकरियां थी इनके लिए एक बैंक होता है, जिस तरह बैंक होता है वो लोगों को लोन देता है, इंटरेस्ट आता है, उससे मुलाजिमों की सैलरी निकलती है, सरकार का काम चलता है, इसी तरह इनकी जो भेड़ बकरियां हैं वो इनका बैंक होता है। ये इन्हीं भेड़ बकरियों की ऊन बेचते हैं, इन भेड़ बकरियों को पालते हैं, ये बाजार में बिक्री करते हैं, उसके बाद अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन आज आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे, ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह यहाँ मायूस होकर बैठे हुए हैं, अपनी भेड़ बकरियों को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है। इन्होंने भी साफ कहा है कुछ भेड़ बकरियां जख्मी हालात में, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। चलिए सर, ये आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ जंगल के एरिया में ये बेचारे रहते हैं, ये हालात है, इनके घर देखें आप, ये जो चादरों का घर है, ये घर है, आप देख सकते हैं किस तरह ये जो गरीब लोग हैं इन्हीं घरों में रहते हैं, लेकिन बीती रात इनके साथ जो हादसा हुआ है वो कहर की रात थी।
ये जो विजुअल है ये नूरकोट जिला राजपुरी के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं किस तरह ये एक टीन शेड बना के अपनी भेड़ बकरियां पालते हैं, इन्हीं जंगलों में इनका गुजारा होता है, इन्हीं जंगलों में रहते हैं। ये देख सकते हैं जो इनकी भेड़ बकरियां बची हैं वो किस तरह क्रिटिकल कंडीशन में है। डॉक्टर ने इलाज तो किया है लेकिन ये बच नहीं पाएंगी। ये छोटे छोटे बच्चे आप जो बच, ये देख सकते हैं आप किस तरह ये जो इनकी भेड़ बकरियां हैं क्या हालात है। यही दृश्य मैंने आपको चंद रोज पहले भी धर्मा पंचायत में दिखाए थे कि धर्मा पंचायत में किस तरह एक रात को जंगली जानवर आके इन भेड़ बकरियों पर अटैक करता है। ये आप देख सकते हैं ये जो भेड़ बकरियां बची हैं इनकी भी कंडीशन इतनी खराब है क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, इस जानवर को कीड़ा पड़ जाता है। जब ये कीड़ा पड़ जाएगा तो ये जानवर बच नहीं पाएगा, ना ही ये बकरियां किसी को बेच पाएंगे क्योंकि अब किसी जंगली जानवर ने इनको काटा है तो ये मीट इनका भी नहीं बिक पाएगा। ये दृश्य जो है ये नूरकोट के हैं। मैं फिर माननीय डिप्टी कमिश्नर से आग्रह करूंगा इन गरीब लोगों की सुध ली जाए और कम से कम इन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि ये और भेड़ बकरियां लेके दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर पाए। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सेट समाचार, नूरकोट गांव, राजौरी।